विद्यांश क्रिएटिव माइंड्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं अपने टेलर दोस्त के पास गई थी। वहाँ बहुत सारे कपड़े के टुकड़े पड़े थे। अभी नवरात्रि चालू है तो उन्हें देखकर मेरे मन में आइडिया आया। इन बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से मैं एक लहंगा बनाने वाली हूँ। मुझे जैसा लहंगा बनाना था उसका वीडियो यूट्यूब पर मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोच लिया। अभी मुझे एक कली वाला लहंगा बनाना है, वो भी कली में जोड़ देके, यानी कली का नीचे का हिस्सा एक रंग का होगा और ऊपर वाले पोर्शन में मैं ये टुकड़े लगाऊंगी। इसलिए पहले मैंने 28 इंच बाय 7 इंच का पेपर का टुकड़ा लिया है। उसके बीच में मैंने एक लाइन खींचकर ऊपर साइड में 1.5 इंच और नीचे 3.5 इंच का मार्किंग कर लिया और सीधी लाइन खींचकर मुझे चाहिए इतनी कली काट ली। अभी मेरे ये कली का साइज ऊपर से 3 इंच और नीचे से 7 इंच है। इसमें मैंने मार्जिन भी पकड़ के रखा है। उन सब कपड़ों के टुकड़ों को घर लाके मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और अब ये जो कागज की हमने कली बनाई है वो कली उसके ऊपर रख कर मार्किंग कर लिया और एक जैसे 28 कलियाँ मैंने काट ली। यह माप मेरी कमर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर शायद मैं कभी मोटी हो जाऊंगी या किसी और को भी ये लहंगा पहनना है तो ये पहन सकेंगे। सभी कलियों को मैंने एक दूसरे को जोड़ के अभी तो फिलहाल ऐसे ही रखा है ताकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया हो जाए। अभी ये मेरा सीक्वेंस कंफर्म हो गया है तो इसी हिसाब से मैं ये सब कलियों को एक दूसरे के साथ अटैच करूँगी। ये लहंगा मैंने तो यूट्यूब पे देख के ही इंस्पायर होके मैंने बनाने का सोच लिया है, पर मैंने जो देखा था वो कुछ अलग था, मेरे दिमाग में कुछ अलग आया तो मैंने वो करने का सोच लिया। हम ये जो कलियाँ जोड़ने जा रहे हैं इसे ध्यान से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कलियाँ खींच जाएंगी तो वो लहंगा भी खींचा खींचा दिखेगा। मुझे लहंगे की टोटल हाइट 40-41 इंच चाहिए, पर मैंने ये जो कलियों की हाइट ली है वो सिर्फ 28 इंच ली है, क्योंकि बाकी की हाइट कवर करने के लिए मुझे नीचे कुछ अलग कलर का कपड़ा लगाना होगा, तो मैं ये बाज़ार से एक टिकली वाला कपड़ा लेके आई। नीचे भी मैं कलियाँ ही लगाऊंगी, तो ये इस बार मैं थोड़ी डबल साइज की कलियाँ बनाऊंगी, इसलिए पहले से ही उसको ही जोड़ के मैंने एक पेपर कटिंग बना लिया। अभी ये कलियों को हम वो टिकली वाले कपड़े के ऊपर रख के काट लेंगे, पर काटते वक्त मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा कपड़ा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके इसको काट लिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं हो रहा है। अभी ये कलियाँ कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रही थी तो इसके ऊपर मैंने एक लेस लगाकर इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना लिया। मेरे लहंगे का नीचे वाला पोर्शन एकदम टिकली वाला और ऊपर का एकदम सिंपल हो जाता, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लेस लगा ली है। ऊपर वाली कलियाँ और नीचे वाली कलियाँ अब मैंने एक साथ जोड़ ली है, पर रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे पता नहीं चला कि बीच वाला पोर्शन स्टॉप हो गया है। पर मैंने एक पट्टी भी ज्वाइन कर ली है जो कि 2 इंच की है, उसमें मैंने एक नाड़ा डाल के रखा है। ये देखिए कितने कम बजट में मेरा मन चाहा लहंगा तैयार भी हो गया। पर ये जब लहंगा तैयार हो गया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने शायद कुछ नीचे ऑफ वाइट कलर का यूज़ किया होता तो वो ज़्यादा बेटर दिखता। इसके ऊपर मैं जो ब्लाउज पहनूंगी वो भी एक जुगाड़ ही है। मेरे पास 2 साल से एक श्रग पड़ा था, उसके स्लीव्स थोड़े बड़े थे तो मैंने उसे काट कर बीच में कुछ हुक लगाकर उसका ब्लाउज ही बना दिया। ये लटकन का वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगी, पर तब तक मुझे बताना कि ये मेरा लहंगा कैसे दिख रहा है। पहनने के बाद मुझे ये कुछ ज़रा ज़्यादा ही पसंद आया है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे दुपट्टे भी ट्राई किए पर कुछ भी मैचिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने ये कुछ ऑफ वाइट कलर का ही पहन लिया। अभी आप बताना कि मुझे इसके ऊपर कौन सा दुपट्टा अच्छा दिखेगा। मुझे ये लहंगा इतना पसंद आया है कि इसको पहनने के बाद मुझे नाचने का ही मन कर रहा था,
पर मुझे नाचना नहीं आता, इसलिए मैंने जोर जोर से घूमकर मेरी इच्छा पूरी कर ही ले ली है। आपका हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहता है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करती रहती हूँ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलना। थैंक यू।